ना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हर एक कोई प्रभु का सेवक नहीं है। देखिए, हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं शैतान पूरी बाइबल, जब आपको पता है शैतान पूरी बाइबल जानता है तो उसके चेले चपाटे भी पूरी बाइबल जानते होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन में फंसा कर और आपको अंधकार में ले जाके डाल देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के जो 7 भाग हैं, हम दूसरे भाग में हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश, 2 संदेश हम सुन चुके हैं इफिसस की कलीसिया के बारे में। इफिसस की कलीसिया का पहला भाग और दूसरा भाग जो है हम सुन चुके हैं, और दूसरे भाग में हमने सुना था इफिसस की कलीसिया के दूत के बारे में। जी हाँ, ये 4th पॉइंट था। आज हम जो है 5वें पॉइंट से बात करेंगे कि इफिसस की कलीसिया के बारे में जो है परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहा। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक। आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए और खोलकर बैठिए और देखते रहिए कि परमेश्वर का वचन जो है हमसे क्या बातचीत करता है। जी हाँ, यहाँ पर जो है हम बात करें इफिसस के दूत के समक्ष मसीह का विवरण या मसीह का परिचय जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इफिसस की कलीसिया के दूत के विषय में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहाँ पर जो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहला पद पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखिए, यहां पर क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि हम पिछले संदेश में सुन चुके हैं यीशु मसीह का जो परिचय है, या जो इफिसस की कलीसिया के दूत के समक्ष जो वो अपना परिचय देता है या अपना विवरण दे रहा है, वो क्या दे रहा है और क्या दे रहा है, तो थोड़ा सा इसका बस रिवीजन करेंगे कि पिछले संदेश में हमने ये सब कुछ सीख चुका है कि यीशु मसीह जो है अपने दाहिने हाथ में क्या लिए हुए हैं, 7 तारे लिए हुए हैं, और ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और सोने की 7 दीपटों के बीच में वो फिरता है। सोने की 7 दीपटें कौन सी है, सोने की ये 7 दीपट जो है 7 कलीसियाओं को दर्शाता है, या 7 कलीसियाओं को दिखाया गया है जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह चल फिर रहा है, या जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, यहाँ पर आप इस तरीके से कह सकते हैं। आज अब हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन जो इस बात को बताता है। देखिए, विवरण जो है हम पहले पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार उन बातों को रिपीट नहीं करेंगे। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगी। 6th पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखा है, मसीह इफिसस के दूत के काम को जानता है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक के कामों को जानता है और हर एक के कामों का वो वर्णन करता है। हम यहां पर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। यहां लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कि अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि जो इफिसस की कलीसिया का दूत है, पिछले संदेश में हमने सीखा था कि इफिसस की कलीसिया का दूत कौन है, तीमुथियुस है। कैसे है यह आगे और भी आपको पता चलता चला जाएगा। यानी इफिसस की दूत जो है, जिसको हम तीमुथियुस कहते हैं, वो कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, और तू जो है मेरा काम करते करते दुख उठाते उठाते जो है वो थकता नहीं है। देखिए, जैसे हमने पिछले संदेश में पढ़ा था, पौलुस क्या कहता है कि वो मेरे समान काम करता, जैसे पौलुस भागा रहा, पौलुस इधर उधर फिरता रहा परमेश्वर के काम को फैलाने के लिए, ऐसी तीमुथियुस भी जो है वो प्रभु के काम को फैलाने के लिए फिरता रहा। और एक बात और भी है, देखिए, एक यहां जो एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखिए, यहां बड़ी गहराई वाली बात है कि सबसे पहली बात क्या है,
कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। सही बात है, बुरे लोगों को अगर हम देखेंगे जो बुराई करते फिर रहे हैं, जो हर बात में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो विद्रोह वाली बातें करते हैं, ऐसे लोगों से पौलुस भी कहता है कि दूर रहना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इन चीजों को के बारे में कहता है कि तू इन बातों से दूर रहना। और यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह उसके काम की ऐसी प्रशंसा कर रहा है कि तू जो है बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरी मेहनत को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं। इन दो पदों में जो है वो मुख्य रूप से पांच बातें हैं। पहली बात, तेरे काम को, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता इस बात का भी मुझे पता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखिए, परखना जरूरी होता है। अगर हमारे घर के अंदर, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हर एक कोई प्रभु का सेवक नहीं है। देखिए, आपके पास अगर प्रभु के नाम से आ रहा है, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा है, देखिए कोई भी हो, अगर वो प्रभु का सेवक नहीं है और वो शैतान का सेवक है, तो सीधी सी बात है वो आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से और वो बाइबल को ही लेकर आएगा। मगर याकूब एक बहुत अच्छी बात कहता है, यूहन्ना भी लिखता है कि तुम जो है आत्माओं को परखो, और आत्माओं की परख हमारे अंदर होनी चाहिए कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो आपको बाइबल में से कुछ भी बता के चले जाएंगे, कुछ भी सुना के चले जाएंगे। जब आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो वो इधर उधर की बातों को करके चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, वो हर उन सेवकों को जो सही तरीके से बात करते हैं उनको गलत करने की कोशिश करेंगे, उनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी और पहचान भी हैं कि वो किस तरीके से बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि रोमियो 3 और उसका 10 पद से पढ़ेंगे, वहां लिखा कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी मुझे खोजने वाला नहीं, कोई भी ये नहीं है वो नहीं, बहुत सी बातें परमेश्वर का वचन कहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम आपके घर में आ रहे हैं, अपने आप को बहुत धर्मी बना रहे हैं, बहुत पवित्र बना रहे हैं, बहुत और इतनी आत्मिकता में बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे, अरे भैया शमूएल के समय में, परमेश्वर का वचन कहता है जब शमूएल की पुस्तक पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है शमूएल के समय में परमेश्वर का दर्शन जो था वो दुर्लभ था। और आज कहते हैं कि प्रभु मुझे 4 बजे थपकी देकर उठाता है, प्रभु मुझसे रात भर बातें करता है, प्रभु को क्या इतना फालतू समय है कि प्रभु किसी से भी मतलब बातें करता रहेगा। अरे अगर आपके पास प्रभु आ रहा है, मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु नहीं मिल सकता है आपको, मिल सकता है, मगर अगर प्रभु आपके पास आ रहा है या आपको अपना दर्शन दे रहा है तो उसका कोई मकसद तो होगा आपसे मिलने का, कोई बात तो होगी। आप बेफालतू में मिलके चला गया, ना उसने कुछ कहा ना कुछ कहा, आपकी पीठ थपथपाई और चला गया, ऐसा नहीं है। प्रभु यदि आपसे मिलेगा तो प्रभु का मकसद होगा और प्रभु अपनी योजना आपको समझाने आएगा, अपना काम आपको समझाने आएगा, अपने भेद आपको बताने आएगा और बहुत सी बातें जो हैं वो आपसे करने के लिए आएगा कि आप करें, फिर वो आप करते हुए दिखाई देंगे ना, वो बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है जो इफिसुस का जो दूत है जिसका नाम तिमिथियुस है, वो उन चीजों को समझता है कि कौन प्रभु की ओर से प्रेरित है कौन नहीं है। क्योंकि हम लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि भाई शैतान जो है पूरी बाइबल जानता है, हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं शैतान पूरी बाइबल। जब आपको पता है शैतान पूरी बाइबल जानता है तो उसके चेले चपाटे भी पूरी बाइबल जानते होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन में फंसा कर और आपको अंधकार में ले जाके डाल देंगे। तो इन चीजों को बहुत समझना है बारीकी के साथ, और तिमिथियुस वही करता है। तिमिथियुस जो कह रहा है प्रभु, जो जिसके बारे में कह रहा है कि मैं जानता हूं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, तूने उन्हें परख कर क्या पाया है, झूठा पाया है। फिर एक बात, छठा पॉइंट में क्या कहता है, मेरे नाम के कारण तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए क्या बात है, हैं? थका नहीं, दुख उठाता रहा, कहीं जाना है दौड़ता हुआ चला जा रहा है, जाने कितनी जगह उसने प्रभु के काम को फैलाया, कितनी जगह कलीसियाओं की पौलुस के साथ जाकर स्थापना करी है, बहुत काम उसने करा है। पौलुस जब उसका वर्णन करता है, पौलुस क्या, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास बाइबल है, आप खुद तिमिथियुस के बारे में पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए तिमिथियुस के बारे में कि उसने कितना काम करा, उसके कामों का बहुत ज्यादा वर्णन दिया गया है और किसी का इतना नहीं दिया गया है क्योंकि उसने काम किया है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और सातवां पॉइंट है,
यहां पर मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। अब देखिए यहां पर क्या है, सातवां जो पॉइंट दिया गया है, मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। अब यहां पर हमने प्रकाशित वाक्य दो अध्याय दो और तीन में पढ़ा, उसके छह कामों की जो प्रशंसा है वह हमने देखा है, परंतु पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 10 से 11 जब हम पढ़ेंगे, दसवां पद है, यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वे तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता। देखिए पौलुस भी उसके काम की प्रशंसा करा, ये पिछले संदेश में भी हमने पढ़ा, पौलुस भी जो है उसके काम की प्रशंसा करा, तीमुथियुस के काम की, और यहाँ प्रभु भी जो है उसके काम की प्रशंसा जो है वो कर रहा है। और लिखा है ना कि 11वां पद जब आप पढ़ेंगे, कोई तुझे तुच्छ नहीं जाने, यानी कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, तो इस तरीके से काम कर, आपका काम ऐसा होना चाहिए, आपका काम दिखाई देना चाहिए, आपके काम की प्रशंसा कोई करे या ना करे, मगर प्रभु आपके काम की प्रशंसा करे। और ये बात बहुत अच्छी लगती है प्रभु को जब आप उसके लिए काम करते हैं, जिस तरीके से पौलुस ने मिशनरी यात्राएं करी और जगह जगह कलीसिया की स्थापना करी है, और जिस तरह पौलुस ने दुख उठाया उसी तरह तीमुथियुस ने भी कार्य करा, क्योंकि वो कहता है ना मेरी तरह वो काम करता है, और बहुत सी जगहों में वो चाहे यूरोप की हो चाहे एशिया की हो उसने काम करा है, और प्रभु के लिए बहुत दुख जो है उसने उठाया है। और पौलुस ने जो है उसे इफिसुस की कलीसिया का अगुआ जो है वो नियुक्त करा है, और उसके धीरज को उसके काम की जो है प्रशंसा पौलुस जिस तरीके से करता, आप देखिए पौलुस कर रहा है, पौलुस जैसा व्यक्ति जो है, और पौलुस को समझना बड़ा मुश्किल है, पौलुस जैसा व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, जिसके साथ बनावस और यूहन्ना जो है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा वो काम नहीं कर पाए, मगर यहाँ जो है तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस ने प्रभु के काम को जो है किस तरीके से उसके साथ मिलकर करा है, एक बड़ी प्रशंसा वाली बात है जो प्रभु उसकी प्रशंसा कर रहा है। और प्रभु हमारे कामों की भी प्रशंसा करता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और वो देखता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर लिखा ना, जब आप गलतियों 2 अध्याय 11 से 14 पद तक पढ़ेंगे, देखिए मैं पद पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, पौलुस द्वारा पत्रस का विरोध जो मैंने आपको बताया था, और पिछले संदेश में भी मैंने बताया कि पौलुस द्वारा जो है वो पत्रस का विरोध करता है, पत्रस को डांटता है, क्यों डांटता है, पिछले संदेश में भी बता चुका हूं कि वो जब यहूदी लोग होते थे तो वो अन्य जातियों के साथ तालमेल नहीं करता था, उनके साथ उठता बैठता नहीं था, अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, वो ये दिखाता था कि मैं प्योर यहूदी हूं और अन्य जातियों के बीच में नहीं बैठता हूं, और पौलुस को ये बात बुरी लगी, और पौलुस ने पत्रस को लताड़ा है, क्योंकि पौलुस जो है वो देखता है अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत बोलेगा, और यहाँ पर तीमुथियुस का वही रोल है, वही कैरेक्टर है, और वही कैरेक्टर जो है प्रभु यीशु मसीह जो पौलुस का कैरेक्टर है वो तीमुथियुस में देखता है, और वो तीमुथियुस के काम की प्रशंसा करता है कि तूने ऐसा किया है, क्योंकि पौलुस के अंदर ये खूबी थी और यही खूबी जो है उसके अंदर आती है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। अभी हमने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 2 और 3 पद देखा, अब मैं 6ठा पद जो हूं वो पढ़ूंगा। अब आप कहोगे आपने 4-5 पद तो छोड़ दिया, मैं 4-5 पद जो है वो मैं बाद में करूंगा, क्यों, पहले हम प्रशंसा की बात कर लें। अब पता चला 2 और 3 पद में तो प्रशंसा की बात करी, फिर 4 और 5 पद में मैं कुछ और लेकर आ गया, फिर उसके बाद प्रशंसा करने लगा, तो ये नहीं, अगर कहीं पर प्रशंसा की बात आ रही है तो पहले प्रशंसा की बात कर ले रहे हैं, चाहे वो पद आगे पीछे हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया है कि मैं इसको सीरियल भाई इस तरीके से ले रहा हूं। जी हाँ, 6ठा पद पढ़ना चाहूंगा कि 6ठा पद क्या है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 6ठा पद पढ़ रहा हूं, पर हाँ तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अब ध्यान देने की बात है, बहुत से लोग जो है निकुलइयों जो है ये क्या है, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये है वो है, अपनी अपनी थ्योरी जो है लोग लगा के रखते हैं। जो निकुलइयों हैं ये जो है एक समाज के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, और अक्सर लोग जो हैं निकुलइयों के बारे में जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये आखिर कौन हैं। बहुत से अब ध्यान दीजिएगा, जरा मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि निकोलस नाम का कोई व्यक्ति है, उससे जोड़ देते हैं कि ये निकोलस नाम के किसी व्यक्ति के जो है वंशज हैं। मैं समझ में नहीं आता ये कहाँ से लिया है, निकोलस कौन, निकोलस किस निकोलस की बात कर रहे हैं, कहाँ से आया है ये निकोलस। देखे निकुलइये जो है एक संप्रदाय के लोग हैं,
और उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर एक अव्यवस्था थी, उनके अंदर जो नियम थे, जो कानून थे, वो बिल्कुल अलग तरीके से थे, वो कुछ और मानते थे। ऐसे लोग जब मसीह में आ गए, तो मसीह को उन्होंने जब ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने अपनी उन बातों को नहीं छोड़ा, वो उसके अंदर ले आए, वो अपनी शिक्षा को भी ले आए, और बहुत से लोग जो थे उनकी शिक्षा के अनुसार भी कार्य करने लगे, हर एक कार्य करने लगे। अब जैसे हम जब हम मसीह हैं, हमारे बाप दादे क्या रहे क्या नहीं रहे हमें उससे मतलब नहीं, उनकी क्या शिक्षा रही क्या नहीं रही, परंतु जब हम मसीह हो गए, तो मसीह ने जब हमें जो शिक्षा दी है या मसीह का जो वचन हमसे कहता है, हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें ये नहीं कि अब हमारी थ्योरी जो है वो कोई दूसरी है, कि नहीं साहब ये भी कर लो, ये कोई बुरी बात नहीं है, वैसा कर लो, ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर बहुत लंबा जो है वो सारांश हो जाएगा उसका, इसलिए मैं इन चीज़ों को सिर्फ सारांश में, छोटी बात में, संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि निकुलियों जो है वो एक संप्रदाय के लोग हैं जिनमें अव्यवस्था थी और बुराइयाँ बहुत थी, और जो थे प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनकी जो शिक्षा जो थी उनसे वो घृणा करता है, और इफिसुस के समय में जो थे वो लोग उसके अंदर मिल गए और वो जो है उन शिक्षाओं को भी मानने लगे हैं, मगर इफिसुस का जो दूत है वो इन बातों से घृणा करता है, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है इफिसुस के दूत अर्थात तिमुथियुस की जो है वो प्रशंसा करता है कि मैं इस बारे में तेरी प्रशंसा करता हूँ जो निकुलियों के लोग हैं तो उनसे घृणा करता है, उनकी शिक्षा से घृणा करता। देखिए लोगों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, पाप से बुराई करो पापी से नहीं। वो क्या कहता है, मैं पाप को खत्म करने आया हूं पापी को नहीं, वो पापियों को बचाने आए, यानी हमारे अंदर से पाप को निकालने। यहां पर जो है वो निकुलियों की जो शिक्षा है, जो बुराई है उनके अंदर, जो अव्यवस्था जो उनके अंदर फैली हुई है, वो उनसे उन बातों से उन चीजों से घृणा करता है, और जिन्होंने इन चीजों को अपना लिया है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, वो उनसे घृणा करता है, और प्रभु जो है उसकी इस बात के लिए क्या करता है, प्रशंसा करता है, और इसलिए जो है वो प्रशंसा करता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन दूर जरूर करना चाहूंगा कि निकोलस, जब हम निकोलस की बात करते हैं, बहुत से कहते हैं कि वो निकुलियो जो थे वो निकोलस के वंशज थे। भैया कौन से निकोलस के थे, चलिए निकोलस की भी बात कर लेते हैं। अब पता बहुत से लोग क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम 6:1-7 पद तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है वो 7 लोग जो है वो चुने गए हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 6 और उसका 7 जो 1-7 तक है। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात से कहता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। ध्यान दीजिएगा, कौन, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। कारण क्या था कुड़कुड़ाने का, आगे देखिए, कि प्रत्येक दिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इन काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। अब निकुलाउस जो था, देखिए वो कहीं से भी आया हो, यहूदी मत में आ गया था, परंतु निकुलाउस जो है जो चुना गया, किस बेस पे चुना गया, पहले तो आप ये देखें। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये जो यहाँ पर निकुलाउस जो है, ये जो है निकुलियों का वंशज था, और इसके कारण जो है गलत शिक्षा। पहले आप उसको तो देख लीजिए, चुनाव देखिए। मैं ऊपर के पद को फिर से पढ़ूंगा, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। देखिए 3 चीजें हैं, सुनाम यानी जिनका नाम बहुत अच्छा हो समाज के अंदर, लोगों के बीच में जिनके नाम की प्रशंसा होती है, जिनके काम की प्रशंसा होती है, जिनकी तारीफ होती है, उनको चुनने की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है यहां पर, कि और जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो,
अब यहाँ पर तीन चीजें थी जो इस पुरुष के बारे में बात करते हैं ना, अंताक्यावासी था ये निकुलाउस। निकुलाउस के बारे में कहते हैं कि ये जो निकुलिया है ये उनके वंशज थे। भैया कहां से ले आए हो, किसने कह दिया? निकुलाउस निकुलाउस ने कब गलत शिक्षा दी, कब गलत शिक्षा में लगा रहा? बल्कि वो तो खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था, और उसका नाम जो था भाइयों के बीच में, समाज के बीच में और उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा नाम था। समझ में नहीं आता है ये थ्योरी कहां से लाए, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। निकोलस की बात करते हैं तो सेंटा क्लॉज जो है उसके बारे में, ये एशिया के बिशप रहे हैं। ये इनका जन्म जो है 15 मार्च 270 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 343 एडी में हो गई। 6 दिसंबर को जो है निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये निकोलस हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। और ये निकोलस जो है ये दूसरों के मददगार था, मदद करता था, और ये जो था एशिया का बिशप जो था ये कहलाया गया। और ये पैदा तो स्मरणा के समय में हुआ, जरूर पैदा हुआ, परंतु इसका जो कार्यकाल था यानी काम करने का जो समय काल था वो पिरगमुन के कलीसिया के समय में रहा है, और पिरगमुन की कलीसिया में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। और पिरगमुन की कलीसिया का जो टाइम पीरियड है 313 एडी से लेकर 538 एडी तक जो था उसका समय काल था, जो परमेश्वर का वचन कहता है। अब हम दो और निकोलस की बात करके खत्म करेंगे। रूसी सम्राट, देखिए एक रूसी सम्राट जो था प्रथम जो निकोलस रहा है वो 1796 से लेकर 1855 तक रहा है। जी हाँ, 1796 से लेकर 1855 तक रूस का जो सम्राट रहा है। और निकोलस द्वितीय यानी निकोलस जो दूसरा रहा 18 मई 1868 से लेकर 17 जुलाई 1918 तक जो है वो रूस का सम्राट रहा है। ये भी नहीं हो सकते हैं, तो ये कौन है? हम वो परमेश्वर का वचन कहता है ना नीति वचन 3:5 में अपनी समझ का सहारा ना ले। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, जो इतिहास कहता है, जिस तरीके से इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ें कि वो टाइम पीरियड में है या नहीं। किसी को भी आप देख लें, परमेश्वर के वचन से उठाकर किसी को भी आप हीरो बना दें और किसी को भी विलेन बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बेचारा निकोलस जो है वो 7 लोगों के साथ सुनाम है, उसका नाम अच्छा है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण है, वो एक अच्छा काम कर रहा है और खाना खिलाने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का तो कर भी नहीं रहा है, वो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, उसको जोड़ दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। निकुलियों के बारे में अगर कुछ नहीं पता तो ठीक है, नहीं पता, मगर परमेश्वर जो है इफिसुस के दूत यानी तिमुथियुस की प्रशंसा कर रहा है कि तू निकुलियों की शिक्षा पर, जो गलत शिक्षा है, तू उससे जो है घृणा करता है। हमें भी उन चीज़ों से घृणा करनी है जो गलत शिक्षा या गलत चीज़ें होती हैं, और हमें भी तिमुथियुस के समान जो है प्रभु का काम करना है और प्रभु के लिए अपने जीवन को देना। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।